प्रियांशी एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद प्रियांशी। सो आज का जो वीडियो है वो फिर से होने वाला है एक स्टेशनरी शॉपिंग, और हम लोग आ गए हैं आपके और मेरी फेवरेट स्टूडेंट गैलेक्सी। बहुत दिन हो गए हम लोग स्टूडेंट गैलेक्सी से शॉपिंग नहीं किए है स्टेशनरी, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्कूल्स खुलने वाले हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए हम लोग न्यू सेशन के लिए कुछ स्टेशनरी शॉपिंग करेंगे। और हाँ, एक और बात, इसमें कोई बजट नहीं है, मैं आराम से जितना बजट चाहूँ शॉपिंग कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे फर्स्ट स्टेशनरी जो है वो है ये पेपर क्लिप्स। मुझे पेपर क्लिप्स चाहिए था क्योंकि जो मुझे ट्यूशन से नोट्स मिलते हैं और पेपर सब होता है स्कूल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, वो सब सेट से नहीं रहता और इधर उधर गिर जाते हैं, इसीलिए मैं ये पेपर क्लिप्स से उनको सिक्योर करके रखूँगी। और ये 40 रुपीज़ का, और इसके अंदर कलरफुल वाला बहुत क्यूट क्यूट। हाँ, इसके ऊपर मैं मोल्डेड क्ले से कुछ बनाऊँगी और DIY भी करूँगी, बहुत सारा हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए मैं आई हूँ एक न्यू पाउच के लिए। पता है मैंने रिसेंटली एक नया पाउच ख़रीदा था, लेकिन इम्पोर्टेंट है ख़रीदना, इसीलिए मैं ख़रीदने वाली हूँ फिर से न्यू पाउच और थोड़े से कॉपीज़ मेरे ट्यूशन के लिए अगर मुझे ज़रूरत होगी, वरना मेरे स्कूल का पिछले सेशन का भी कॉपीज़ है, वो मैं यूज़ करूँगी, लेकिन ज़्यादा कॉपी खाली वाले नहीं है, इसलिए मैं 2-4 लेके जाऊँगी, 2-4। और ये रहे हमारे अंकल, बहुत दिनों बाद अंकल से मिल रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी पुरानी अच्छा लग रहा है। तो मैं लेने वाली हूँ स्पेस वाला कुछ पाउच वैसा, वरना यहाँ कहा एक देखा था स्पेस। अच्छा, अगर 7 क्लास पढ़ोगे तो न्यू पाउच नेसेसरी है ना? अरे न्यू आया स्पेस का ऐसा वाला मेरे पास है पाउच। ये वाला पाउच बहुत प्रीटी है, लेकिन मेरे पास ऐसा पाउच है एक यूनिकॉर्न वाला, बट उसमें दाग थोड़ा थोड़ा लग गया, अगर इसमें दाग लग जाएगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, आई डोंट वांट कि इसमें दाग लगे। ओ यूनिकॉर्न, वो वाला क्या है पाउच? डायनासोर वाला पाउच, डिजाइन है थोड़ा। ओ मैं वाटर वाला पाउच ढूंढ रही थी, एक जैसा परी ली थी, बट अकॉर्डिंग टू माय मम्मी वो खराब हो जाएगा, उससे वाटर लीक कर लेगा, इसलिए लेना चाहती हो तो ले लो, तुम्हारा मन है तो, ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास नॉर्मल पाउच तो बहुत सारा रखी हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं लूंगी। इसका और कोई डिजाइन नहीं है कलर का? ब्लू या फिर पर्पल वैसा कुछ। ये पाउच लेके तुम लोग पढ़ाई करोगे या स्कूल में खेलोगे? ये पाउच लेके हम दोनों करेंगे, जब कुछ क्लास बोरिंग होगा तो हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, फ्रेंड्स लोगों को दिखाओगे ना। ये इसके अंदर वाला प्लास्टिक है या कंपार्टमेंट है? देखो पर्पल कलर भी आ गया, ब्लू प्रिटी है। मुझे पिंक वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ये पिंक वाला लूंगी। उसका प्राइस अंकल को नहीं पूछा? इसका प्राइस कितना है अंकल? 220। ये बॉटल बहुत प्यारा है, वो इसमें मेरा शक्ल दिख रहा है, लंबू शक्ल, छोटू शक्ल, मोटू पेट, नहीं मेरा पेट मोटू नहीं है, प्यारा है। इसका कलर बहुत अच्छा है, टूटा तो नहीं। और ये वाला मैं ऐसा वाला लूँगी, ये कितने रुपीस का है? 650। ठीक है, ऐसा वाला लेंगे एक। और हमारे पास कुछ है? नोटबुक्स लेना है हमें। मुझे स्पेस वाला चाहिए, ये एक स्पेस वाला लूंगी और एक लूंगी, दो लूंगी। रॉक कॉपी के लिए मोटा और नहीं लेना है क्या? नहीं, मेरे पास है पिछले साल का जो आधा यूज्ड है, बाकी आधा मैं यूज करूंगी उसके बाद लूंगी। और ये लाल किला, हवा महल, और एक ये वाला लूंगी, ये दो, ये दोनों कॉपीज इस बार में जो मुझे यूज़फुल आएगा वही ले रही हूँ, वैसे तो मुझे सब यूज़फुल आएगा।
इस टाइप का लोगे तो बोतल पूरा फाइनल तो निकालेंगे ऊपर से अंकल, ऊपर है उसका वो ना सारे बोतल, ये डिस्प्ले के लिए था ना। इतना सारा बोतल इसके अंदर कलर वाला है, मतलब अलग अलग कलर के। अरे वाह वाह, ये ब्लू वाला बहुत अच्छा है, ये ब्लू वाला लूंगे। मतलब आगे में बोतल कलर छड़े तो मैं कलर छड़े जाऊंगा। बट इसको बेटा हाथ से अगर गिरा दिए ना तो मुश्किल, मत गिराना, केयरफुली रखना है। हाँ ठीक है, ये वाला बॉटल लेके लूंगी। ये कलर नहीं लोगे सतरंगी? इतना सतरंगी कौन ले, सारे ले रहे हैं साला, हम कुछ यूनिक लेंगे ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चा ना, तो साइड रहे। हाँ इरेजर हाँ ऐसा वाला एक लूंगी मैं, पिंक ब्लू और येलो वाला। हाँ ऐसा वाला एक क्यूट सा इरेजर लेंगे हम, जी अगर ये पेन तैरेगा कि नहीं। नहीं फ्लोट कर रहा, पानी में फ्लोट करेगा। और मुझे चाहिए एक रेड, ये रेड चलेगा ना, एक रेड पेन और एक वुडी वाला ब्लैक पेन। मेरे पास इसका ब्लू वाला है जो ब्लू अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है ये वाला। हाँ मम्मी को भी पता है, एक ब्लू वाला भी ले लेता है, कहीं गुम गया मेरा, निकल नहीं रहा। हाँ तो इसके तीन तीन कलर वाले पेन ले लेते हैं, गर्मी बहुत है, आप लोग भी थोड़ा ठंडा हो जाओ। ये वाला है एक पेंसिल, इसमें फैन है, तो जब भी मुझे स्कूल में गर्मी लगेगी या ट्यूशन में गर्मी लगेगी तो वी कैन यूज दिस। इसका पिंक वाला कलर है, पिंक नहीं है इसका ब्लू है, ग्रीन वाला कलर है और ग्रीन। हाँ मुझे वो ग्रीन वाला कलर पसंद है। पीछे से हाँ अभी आपका शॉपिंग हो गया क्या, कि और क्या चाहिए? अरे मैं और भी देखूंगी ना, कुछ अच्छा लगेगा तो। I don't think मुझे और ज्यादा कुछ चाहिए, बट देखते हैं अगर कुछ। याद कर लो तुम्हारा जो छोटा स्टेपलर का पिन है। हाँ है, नहीं है स्टिकर्स। हाँ आज एक स्टिकर लेके जाऊंगी, BT21 स्टिकर्स और बटरफ्लाई वाला अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। और हम लोग लेंगे क्या करोगे, ये जर्नलिंग? हाँ ओके, ये दोनों स्टिकर्स और कुछ स्कैनर वाले आँखें। बहुत प्रोबेबली और मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बस मेरे वो छोटे वाले जो पिंक कलर का स्टेपलर लिया था इधर से, उसका पिन चाहिए मुझे। आओ वो छोटे वाले एक पाउच देखो, आंखें निकाल के गोटी आंखें लूंगी। कार्टून का है, मिनियन बहुत क्यूट है। ओ इसका पैर यहाँ, ओ वो तो ये ऐसे बेंड होके हुआ है, ये देखो मिनियन बेंड हो रहा है और आपको देख रहा है, अच्छा हाल है। वो डोरेमोन वाला भी है, ये न्यू आया है। सो इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टेशनरी नहीं लिया है, बिकॉज आधी चीज़ें जो है वो मेरे पास हैं ऑलरेडी, क्योंकि सिक्स क्लास में बहुत सारा स्टेशनरी ली हूँ जो मैं सेवन क्लास में भी यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने बस लिया बॉटल, पाउच, दो कॉपीज़, पेपर क्लिप, रबर, फ्लोटिंग पेन जो उड़ता नहीं है लेकिन पानी में ज़रूर उड़ेगा, और पेन्स तीन कलर के, और एक फ़ैन वाला पेंसिल, थोड़ा ठंडा हो जाओ। और उसके बाद स्टेपलर के पिंस और स्टिकर्स जर्नलिंग के लिए।
डोंट वरी गाइस, न्यू जर्नलिंग वीडियोस जल्दी आ जाएंगे मेरे चैनल में, शॉर्ट्स वीडियोस मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हाँ, इतना ही मेरा बिल कर दीजिए अंकल। ये अपने पॉकेट मनी से दोगे या मम्मा पे करेगी? आप। अच्छा, तो मेरा न्यू सेशन का स्टेशनरी शॉपिंग तो है जो वो कंप्लीट हो चुका है। एंड रियली आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो में मैं शेयर क्यों कि मैं मेरे न्यू सेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ली हूँ। जैसे कि मैं बोली थी, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं घर पर जो मैं 6th क्लास में खरीदी थी। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।